नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में मैं अपने कलेक्शन के कुछ ऐसे स्टैंपों को दिखाने जा रहा हूं जो हमारे रिलीजन और कल्चर को समर्पित हैं। ये दोनों स्टैंप 15 अगस्त 1949 यानी 15th अगस्त 1949 में जारी किए गए थे। ये 9 पाई और 1 आना के 2 स्टैंप्स बोधिसत्व को समर्पित थे। ये 20 पैसे का स्टैंप 14 अक्टूबर 1970 यानी 14th अक्टूबर 1970 को जारी किया गया था। ये स्टैंप संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित था। अगला स्टैंप 9 अप्रैल 1999 यानी 9th अप्रैल 1999 में इशू किया गया। ये 3 रुपये का स्टैंप खालसा के जन्म के 300 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। अगला स्टैंप 30 अप्रैल 1991 यानी 30th अप्रैल 1991 में इशू किया गया। 5 रुपये का स्टैंप था जो कि त्रिपुरा राज्य के लोक नृत्य होसागिरी को समर्पित था। अगला स्टैंप 31 दिसंबर 1999 यानी 31st दिसंबर 1999 में जारी किया गया। 5 रुपये का स्टैंप हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में स्थित ताबो मोनेस्ट्री को समर्पित था। अगला स्टैंप 4 अप्रैल 1994 यानी 4th अप्रैल 1994 में जारी किया गया। 5 रुपये का स्टैंप था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप को समर्पित था। अगला स्टैंप 11 अप्रैल 1975 यानी 11th अप्रैल 1975 में जारी किया गया था। ये स्टैंप आर्य समाज के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। 1980 में जारी किया गया ये 2 रुपये का स्टैंप इंडियन टेक्सटाइल वीविंग को दर्शाता है। अगला स्टैंप 26 दिसंबर 1987 यानी 26 दिसंबर 1987 में जारी किया गया। 60 पैसे का स्टैंप था जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा को समर्पित था। अगला स्टैंप 14 नवंबर 1991 यानी 14 नवंबर 1991 में जारी किया गया। 1 रुपये का स्टैंप था जो कि भारतीय बाल दिवस को समर्पित था। अगला स्टैंप 15 जुलाई 1975 यानी 15 जुलाई 1975 में जारी किया गया। 20 पैसे का स्टैंप था जो कि भारतीय टेराकोटा हस्तशिल्प को दर्शाता है। अगला स्टैंप 16 अक्टूबर 1967 यानी 16th अक्टूबर 1967 में इशू किया गया। 60 पैसे का स्टैंप था जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को समर्पित था। अगला स्टैंप 15 मार्च 1967 यानी 15th मार्च 1967 में इशू किया गया था। ये 70 पैसे का स्टैंप कर्नाटका के हम्पी रथ को समर्पित था। ये स्टैंप 1979 यानी 1979 में जारी किया गया था और ये स्टैंप बिद्री वेयर को समर्पित था जो कि कर्नाटका में स्थित बिदर के हस्तशिल्प को कहा जाता है। अगला स्टैंप 24 मई 1975 यानी 24 मई 1975 में जारी किया गया था। ये स्टैंप गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को समर्पित था। ये दोहा श्री रामचरितमानस के बालकांड के कवि वंदना सर्ग से लिया गया है। यह दोहा कुछ इस प्रकार है, कीरति भनति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। अर्थात कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। अगला स्टैंप 26 अगस्त 2016 यानी 26th अगस्त 2016 में जारी किया गया था। इस 5 रुपये के स्टैंप पर कांसे यानी ब्रॉन्ज का बना हुआ नटराज दर्शाया गया था। अगला स्टैंप भी 26 अगस्त 2016 यानी 26th अगस्त 2016 को जारी किया गया था। इस 5 रुपये के स्टैंप पर लोहे से बनी हुई सुराही दर्शाई गई थी। अगला स्टैंप 17 अक्टूबर 2001 यानी 17th अक्टूबर 2001 में जारी किया गया था। पंचतंत्र की कहानियों को दर्शाने के लिए 2 स्टैंपों का 4 सेट जारी किया गया था जिन्हें मैं यहाँ पे दिखला रहा हूँ। भारतीय रत्न एवं आभूषणों को समर्पित साल 2000 में 3 रुपये के 6 स्टैंपों वाला एक मिनिएचर शीट जारी किया गया था जिस सेट के 2 स्टैंप्स मेरे कलेक्शन में हैं। भारतीय वधुओं की साजो सज्जा को दर्शाने के लिए 30 दिसंबर 1980 यानी 30th दिसंबर 1980 में 1 रुपये के 4 स्टैंप एक सेट में जारी किए गए थे जिसमें से मेरे पास ये एक स्टैंप मेरे कलेक्शन में मौजूद है।
अगला स्टैम्प 1 जनवरी 2017 यानी 1 जैन 2017 में जारी किया गया था। ये 25 रुपए का स्टैम्प किसी मंदिर में नवकाशित किए गए बोधि वृक्ष को दर्शाता है। 19 दिसंबर 2019 यानी 19 दिसंबर 2019 में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में की जाने वाली एम्ब्रॉयडरी को दर्शाया गया था। इस सेट में 10 रुपए के 5 स्टैम्प थे, 15 रुपए के 3 स्टैम्प और 20 रुपए के 4 स्टैम्प थे। मेरे कलेक्शन में इन स्टैम्पों में से 3 स्टैम्प्स मौजूद हैं। 21 सितंबर 2017 यानी 21 सितंबर 2017 में भारतीय व्यंजनों को दर्शाने वाले कुछ स्टैम्प्स जारी किए गए थे। ये स्टैम्प्स 4 सेटों में जारी किया गया था और हर एक सेट में 6 स्टैम्प्स थे। अगला स्टैम्प 2019 में जारी किया गया था। ये 4 स्टैम्पों का सेट उत्तराखंड में स्थित 4 धाम को दर्शाता है। इसमें 2 स्टैम्प 10 रुपये के थे और 2 स्टैम्प 15 रुपये के थे। ये उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जो कि 4 धाम कहलाते हैं उनको समर्पित था। अगला स्टैम्प 21 जून 2015 में जारी किया गया था। ये 5 रुपये के स्टैम्प वाला मिनिएचर शीट भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान और उपलब्धि को दर्शाता है। 14 जून साल 2000 यानी 14 जून 2000 में जारी किया गया ये 4 स्टैम्प भारतीय फैशन को दर्शाता है। ये स्टैम्प एक मिनिएचर शीट का हिस्सा है जिसमें 5 रुपये के 6 स्टैम्प्स थे। अगला स्टैम्प सेट जो कि एक मिनिएचर शीट था 2 मई साल 2007 यानी 2nd ऑफ मई 2007 में जारी किया गया था। ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 साल पूरा होने के उपलक्ष में जारी किया गया था। इस मिनिएचर शीट में 5 रुपये के 5 स्टैम्प्स थे। हमारा आज का आखिरी स्टैम्प 9 नवंबर 2019 यानी 9th ऑफ नवंबर 2019 में जारी किया गया 550वां प्रकाश गुरु पर्व को समर्पित था। इस मिनिएचर शीट में 5 स्टैम्प थे जिनमें एक 15 रुपये का स्टैम्प था और बाकी के 4 10 रुपये के स्टैम्प्स थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।